खबर यूपी के श्रावस्ती से है, जहां पर श्रावस्ती के इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में लोहे के पोल में अचानक उतरने लगा करंट, पोल के जड़ में उठने लगा धुआं। स्वास्थ्यकर्मियों ने विद्युत विभाग को दी सूचना। घंटों बाद विद्युत कर्मी मौके पर पहुंचे और यहां पर आए फाल्ट को किया सही। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर से है, जहां पर इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में लगे विद्युत पोल में अचानक करंट उतर आया। नीचे बारिश के चलते नमी थी, ऐसे में देखते ही देखते पोल के जड़ से तेज धुआं निकलने लगा। जब यहां पर लोगों ने धुआं निकलते देखा तो लोग अचंभे में रह गए और इसकी सूचना विद्युत कर्मियों को दी गई। लगभग डेढ़ घंटे बाद विद्युत कर्मी मौके पर पहुंचे और यहां पर जो करंट उतर रहा था उस का मरम्मत करते हुए समस्या का निराकरण किया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना बाल बाल होने से बची। श्रावस्ती जनपद के इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सैकड़ों की तादाद में लोगों का आना जाना रहता है। आज रविवार होने की वजह से लोगों की आवाजाही कम थी, लेकिन फिर भी यहां पर लोगों का आना जाना लगातार जारी था। ऐसे में यहां पर लगे हुए विद्युत पोल में अचानक करंट उतरने लगा। बताया जा रहा है यहां पर विद्युत पोल लोहे के लगे हुए हैं, इस लोहे के पोल में करंट उतरा, जिसके बाद नीचे अर्थिंग पाते हुए यहां से तेज धुआं निकलने लगा। धुआं देखकर लोग हैरान में रह गए और बाद में इसकी सूचना बिजली कर्मचारियों को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे विद्युत कर्मियों ने मशक्कत करते हुए आपूर्ति को सही किया तथा उतर रहे करंट को सही किया। श्रावस्ती जनपद के इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें, जहां पर आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहां पर घंटों बाद विद्युत कर्मी पहुंचे, जिसके बाद बड़ी समस्या का निराकरण हुआ। विद्युत पोल में किस प्रकार करंट उतरा उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल पर। आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिले।